हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फ्लिपकार्ट से मैंने एक घड़ी मंगवाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली घड़ी मंगवाई थी। तो इसमें तो वैसे तो काफ़ी सुंदर घड़ी लग रहा है और मैंने ब्लैक कलर की मंगवाई थी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्टील कलर का चमक रहा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, हाथों में भी सुंदर लग रहा है पूरा। तो ये वाला पूरा घड़ी था, आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का था। तो सेम घड़ी जो है वो मेरे पास आ गया है और ये वो घड़ी है। ठीक है, तो इनकी कंपनी का नाम ये रिबॉर्न है, लेकिन वहाँ पे लिखा था जॉय मार्ट और इसमें 3 बज गया, इसलिए इसमें टी टी आवाज़ आ गई। तो पैकिंग काफ़ी सुंदर की गई है, आप देख सकते हैं, इस पर भी रिबॉर्न वगैरह लगा हुआ है और इनकी इन लोगों ने ब्रांड भी है इनका, एक वारंटी कार्ड भेजे है, साथ ही डिजिटल फंक्शन कैसे करती है घड़ी ये भी भेजा है, साथ के इसमें अंदर डाल के भेजा था, काफ़ी सुंदर से पैकिंग से भेजा हुआ है, इसमें कोई नो डाउट। और ये घड़ी तकरीबन 630 रुपये की थी, जो कि ऑफ़र प्राइस में 540 रुपये डिस्काउंट हुए हैं, 590 या 80 के आसपास मिले होंगे। ठीक है, तो घड़ी तो काफ़ी सुंदर है, हाथ में भी अच्छी लग रही है। अगर अब मैं इसे ऐसे बांध लूँ तो आप देख सकते हैं हाथ में भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो हाथ में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये घड़ी गंदी है, गंदी है, आप देख सकते हो, ये पूरा कोई स्टील का नहीं है, ये इसमें लग रहा है कि काफ़ी दिनों से पहना हुआ था और जंग खा लिया है। साथ ही ये पीछे देख सकते हैं, पीछे भी काफ़ी गंदी है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी गंदा है ये। ठीक है, और इसके बेल्ट के अंदर भी देखेंगे तो गंदा गंदा सा लगेगा ये। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने देखा, बड़े ध्यान से देखा तो गंदा गंदा लग रहा था, जैसे इसके इसके अंदर भी गंदगी पूरी फैली हुई है। अगर नई घड़ी है, इतनी अच्छी आप पैकिंग में दे रहे हो, तो गंदी कैसे हो गई। ठीक है, तो पहले मैं सोचा कि शॉर्ट्स वीडियो बना के घड़ी अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ, लेकिन जब मैंने ये गंदा गंदा पूरा चीज़ देखा तो मुझे लगा कि पूरा 3-4 मिनट का वीडियो बना देता हूँ, ताकि अगर आप ये वाली घड़ी खरीदें जॉय मार्ट से। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाया था। तो आप ये देखिए, ये वाली घड़ी है और ये जॉय मार्ट लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, तो वैसे तो ये लोग गुड गुड लिख रहे हैं और रेटिंग इनकी 3.5, मतलब 3.9 की स्टार की रेटिंग है, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। तो लाल वाली घड़ी काफ़ी सुंदर लग रही है, वो अट्रैक्ट करती है। ये देखिए, ऑफ़र प्राइस में आपको 565 रुपीज़ में दिखा रहा है। ठीक है, 565 रुपीज़ में दिखा रहा है, और इनका ब्रांड नाम है जॉय मार्ट, जॉय मार्ट करके है, लेकिन अनबॉक्स करने के बाद ये दिखता है रिबॉर्न। मेरे को उससे कोई इशू नहीं था, घड़ी जो मुझे चाहिए था वो मिल गई, लेकिन ये गंदी घड़ी है। गंदी मतलब ये कोई बहुत दिनों से इसको पहना हुआ है, आप देखिए बड़े ध्यान से, इसको बहुत दिनों से कोई ना कोई पहना हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ये पूरा ये पीछे ये गंदा जब होता है, जब कलाई पे बहुत सारा पसीना आता है, धूल मिट्टी वगैरह जमता है, मैल जमते हैं, तब अगर ये नई घड़ी है तो फिर ये क्या है, बताओ, आप मुझे बताओ, ये इतनी गंदगी दिख रही है। ठीक है, आप बोलोगे कि नई घड़ी आपने भेजा है तो ये है, तो ये दुकानदार जो है ना, कस्टमर को थोड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, इनको कोई भी घड़ी पैकिंग के साथ अच्छे भेज दे रहे। अरे आप घड़ी भेज रहे हो, नई घड़ी भेजो, कम से कम फ्रेश घड़ी भेजो, या फिर इसको साफ़ करके भी भेजते तो भी हम बेवकूफ़ बन जाते। अब ऐसे ही डाल के भेज दोगे तो हम खाली पैकेटिंग देख के तो घड़ी नहीं खरीदेंगे ना हम, हमको देखने में भी, अभी आप देखोगे ये स्टील चमक रहा है, ठीक है, और ये चमक ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये पानी में भीगा हुआ है, गंदा हुआ है, तभी तो ये चमक रहा है। देखो आप, अब देखो ये कैसा चमक रहा है और ये कैसा चमक रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये गंदी के वजह से मैं इसको वापस कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसा घड़ी मंगवाते हैं तो एक बार खोल कर पूरा ध्यान से बारीक से चेक कीजिए कि ताकि वो पहना हुआ ना हो, क्योंकि आप नए का पैसा दे रहे हैं, सेकेंड हैंड नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड खरीदता तो कोई बात नहीं था, चलो सेकेंड हैंड खरीद लिया, 200-300 में मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन आप नई घड़ी खरीद रहे हो। इसमें मैंने दो टाइप के घड़ी थी, इसमें डिजिटल भी था और एनालॉग भी था, मतलब एक कांटे वाली घड़ी भी है और अंदर डिजिटल भी घड़ी है, इसके वजह से मैंने ये ख़रीदा था, लेकिन अब मुझे लगता है इसे वापस कर देना ही अच्छा रहेगा और जाकर बाहर से बाज़ार से ही 250 वाली 300 वाली घड़ी ले लूँगा, वो बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।